उत्तराखंड के देवप्रयाग से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और हर संभव मदद की बात कही है और कहा है कि हर संभव मदद सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। जिलाधिकारियों को प्रभावित को अनुमान्य सहायता जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक विनोद कनकरी, जिलाधिकारी इवा श्रीवास्तव, SSP भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। देवप्रयाग में मंगलवार के दिन बादल फटने से 12 दुकान, नगरपालिका भवन, HDFC बैंक, ITI भवन को भारी नुकसान हुआ था, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि किसी जान माल का कोई नुकसान यहां नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। और यहाँ साथ में आज से ही किसी भी यात्रा तूफान इंडिया तैयार करने के लिए बात की है। साथ ही जो ITI है उसको कहीं अलग से जो जनसंख्या का सीमा मैंने भवन है फिलहाल के लिए वहाँ शिफ्ट किए, बाद में अस्थाई के लिए जमीन सीमा मैंने उसको ट्रांसफर करेंगे लैंड को, तो पैसा भी उसके लिए तो आगे के लिए उसको तैयार करेंगे अस्थाई रूप में।